स्वागत है दोस्तों। वो देखिए दूर ऊपर मरिंगा ट्री के ऊपर लटक रही हैं तोरी। ये देखो कल रात से खूब बारिश हो रही है हमारे चंडीगढ़ में, तो मौसम तो सुहावना हो गया है और बारिश के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, जो कि बारिश ख़त्म हो जाने के बाद हमें दिखते हैं। तो बारिश के साथ ही एक तो पत्ते धुल के कितने खूबसूरत लश ग्रीन हो जाते हैं, और इनके ऊपर पड़ी हुई बूंदें तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखो ये बारिश की बूंदें, ये है आलमांडा की बेल और उसके कल खिलने वाले बड्स, और इनके ऊपर देखो बारिश की बूंदें, और ये रहे फ्लावर्स शबनम, ओस की बूंदें होती ना जैसे, और कुछ बूंदें देखो वाटर कैबेज पे भी पड़ी हुई हैं। दिख रही हैं क्या ये? बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मुझे तो देखना बहुत पसंद है। बारिश की बूंदें जो अटक के रह जाती है ना पौधों के ऊपर, इतनी फ्रेशनेस उनसे लगती है ना, प्रकृति और उसके रूप। और कुछ बूंदें इधर भी अटकी हैं आलमांडा के बड़े बड़े फ्लावर्स के ऊपर। ये देखो वाह वाह। मैं तो ना इस तरह बाहर पानी स्टोर कर लेती हूँ बारिश का, फिर वो प्लांट्स जो छत के नीचे हैं उनको डालती हूँ, तो इससे अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है प्लांट्स को। बारिश के पानी से ना प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, नाइट्रोजन मिलता है इनको। ये मैंने कटिंग लगाई थी, याद होगा आपको, बिगोनिया बीफ स्टिक की, और मैंने बारिश में रख दिया था। देखो कौन कहता है कि ये कटिंग है, पूरा एक फुल फ्लेजेड प्लांट, बारिश के पानी से अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये मेरा प्यारा सा लेपर्ड लिली, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर है मेरे 8 तरह के कोलियस कलेक्शन, देखो सब बारिश में पड़े हैं और कितने खूबसूरत कलर इनके निकल के आए हैं। ये देखो, तो प्लांट्स को ना बारिश में रखना बहुत ज़रूरी है। एक ये मुझे एक प्लांट दिया था किसी ने ना, इसके कुछ फ्लावर्स तो नहीं आते लेकिन कलरफुल, देखो लीफ इसकी बहुत ही खूबसूरत है। ये 2-3 सालों से इसी पॉट में लगा हुआ है, ऊपर से टूट भी गया था लेकिन फिर इसने बारिश में पड़ा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है, और वेरिएशन देखो लीफ में बहुत ही खूबसूरत है ये। और इस बारिश के नुकसान क्या हैं देखो, इस तरह पॉट में पानी खड़ा हो जाता है ये, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरा का पूरा रॉट हो जाएगा। ये काम चेक करना बहुत ज़रूरी है। और एक बारिश का नुकसान और है, जितने भी फुल ब्लूम फ्लावर्स होते हैं ना वो सब एकदम नीचे को गिर जाते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा पानी इनमें भी भर जाता है। ये सुबह तक इतना अच्छा था, एकदम ड्रूप डाउन कर दिया। और ये मेरे फ्लावर जो काफ़ी दिनों से खिले हुए हैं एकदम देखो
बारिश से भर के पानी की बूंदें झड़ रही हैं। जब ज़्यादा पानी भर जाता है ना तो भार से ये एकदम इस तरह नीचे को गिर जाते हैं। और ये मेरा एक ब्लूम हो रहा है और देखो पानी इसमें भी अटका हुआ है, ये नुकसान है। और ये मेरी ऑर्किड की तरह दिखने वाले फ्लावर्स जो कि एक सेम फली के हैं, इसके बहुत सारे बारिश में सब फ्लावर्स टूट के नीचे गिर गए। मुझे नहीं पता उस जगह फिर ये बीन्स आ पाएंगी कि नहीं। ये रहे वो, ये नुकसान है। तोरी के भी इतने सारे फूल टूट के नीचे गिरे पड़े हैं ना। इंद्र देवता का शुक्रिया जो मेहरबान हुए हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर। वो प्लांट्स अच्छी ग्रोथ करते हैं। मेरी सब हैंगिंग बास्केट देखो, मस्त एकदम। चलो ये पौधों की मस्ती भी बरकरार रहे। और ये रहे कुछ फ्लावर्स, देखो इस रंगून क्रीपर के साथ, खिले हुए फूलों के साथ लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।